शार्क्स, 2017 में हमें समझ आ चुका था कि हमने कुछ तो फोड़ दिया है और कुछ ऐसा फोड़ दिया जिसकी वजह से हमने हमारी यूएसए की शानदार जिंदगी, आईबीएम की अच्छी खासी नौकरी, सामने से मिलने वाला ग्रीन कार्ड, सब कुछ छोड़ दिया। इंडिया आ गए अपने एक सपने से पूरी दुनिया बदलने। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हमने, तो हमने बच्चों के गेम्स को लर्निंग एप्स में कन्वर्ट करा और उनकी पढ़ाई को गेमिफाई करके ऐसी कई सारी एप्स मार्केट में लॉन्च करी। प्रेजेंटिंग यू गुंजन ऐप। नमस्ते, मैं हूँ सौरभ गुप्ता। और मैं गुंजन गुप्ता। हम हैं कोलकाता से। हम हैं इंडिया की सबसे बड़ी किड्स गेमिंग कंपनी के को-फाउंडर। गुंजन एप्स 40 से ज्यादा बच्चों के गेम्स और एप्स की एक ऐसी सीरीज है जहां 1.5 साल से 12 साल के बच्चों को हम इंग्लिश, मैथ्स, पजल्स, वर्कआउट, ऐसी कई सारी चीजों को गेम्स के द्वारा बनाकर मजेदार तरीके से सिखाते हैं। जब मैं अपने बेटे के लिए इस तरह की लर्निंग एप्स खोज रही थी, तब मुझे पता चला कि इस तरह की एप्स मार्केट में है ही नहीं, और जो भी थी उनका सब्सक्रिप्शन बहुत ही एक्सपेंसिव था एंड उसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत थी। तब हमने सोचा क्यों ना हम ही ऐसी एप्स बनाएं जो दुनिया के किसी भी स्मार्टफोन पर चले, वो कम्प्लीटली ऑफलाइन हो और सबसे बेस्ट बात फ्री में हो। ये सफर हमने 2016 में एक ऐप से शुरू किया था और आज हमारे पास 40 से ज्यादा ऐप्स हैं, 200 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। हमारा विजन है गुंजन ऐप्स को दुनिया के हर बच्चे तक पहुंचाना। और इसी विजन को पूरा करने के लिए हमारी आस्क है 2.5 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 1% इक्विटी। 250 करोड़। So sharks, are you ready? चलिए गुंजन ऐप्स को बनाते हैं हर बच्चे का कंपेनियन। आप शार्क टैंक पे आए हैं, पता है ना आपको? Yes. और आप इंडिया वाले में हो, यूएस वाले में नहीं हो? सर ये भी तो उसी को टक्कर दे रहा है और क्या कर रहा है। गुड आंसर, अब अच्छा लग रहा है। चलो सौरभ, गुंजन, गुड यार, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। तो आप दोनों यूएस से पहले क्या इंडिया में ही स्टार्ट की थी लाइफ या यूएस में ही की थी? मैं कोलकाता के पास हावड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से पला बड़ा हूँ। अरे वाह। और वहीं से मैंने अपनी इंजीनियरिंग वगैरह करी और उसके बाद मेरा प्लेसमेंट सीधे L&T मुंबई में हुआ था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ कुछ टाइम काम किया, देन आई वॉज ट्रांसफर टू पुणे। वहाँ से मैं यूएस गया, 4 साल रहे। तब थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कि नहीं, खुद का कुछ करते, कीड़ा तो बचपन से था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस ही है, तो मैंने पापा के साथ दुकान पे, उनके गोडाउन्स पे काफी काम किया हुआ है। गुंजन अपनी स्टोरी बताओ। मैं यूपी के एक छोटे से शहर ललितपुर से आई हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक नई टेक्नोलॉजी से हुक्ड अप हो जाऊं। तो मैंने एक एंड्रॉइड जब लेटेस्ट आया था, सो मैंने वो 6 महीने का कोर्स पुणे से किया। आपके बच्चे हैं? वो बच्चे की वजह से ही हमारा ये बिजनेस आइडिया आया। बताइए उसके बारे में। हुआ क्या कि हम यूएस में थे और हमारा बेटा उस टाइम बॉर्न हो चुका था, लगभग 1.25 साल का था। तो ये गर्ल्स पार्टी में गई हुई थी। गर्ल्स पार्टी क्या होता है भाई? एक गर्ल्स की पार्टी हो रही थी। Men not allowed. Yes. तो उसके बाद ये हुआ कि अब मैं घर पे बोर हो रहा था, क्योंकि और प्लस मुझे बेबी सिटिंग करनी पड़ रही थी उस टाइम पे। तो मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल लगाया, भाई तेरी भी बीवी तो गई हुई है, चल हम लोग ही साथ में हो लेते हैं। मेरे फ्रेंड ने बोला, यार इसका क्या करें अब? इसका क्या करें? चिंता करने की बात नहीं है, एक टीवी चला के इसको बिठा देते हैं और हम। आप बहुत एंटरटेनिंग है। इसका क्या करें? नहीं नहीं, होता है होता है होता है। उसको टीवी के सामने हमने बिठा दिया, मैंने बोला कुछ राइम्स वगैरह लगा देते हैं और उसमें तो ऑटो प्ले होता रहता है। तो वो बैठा हुआ था और हम पीछे बातें वगैरह कर रहे थे, तभी मेरा फ्रेंड आया, बोला कि यार तुमने तो इसको ABCD 1 2 3 सब सिखा दिया, ये तो बड़ा छोटा बच्चा है। मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं सिखाया। मैंने बोला कौन सा वीडियो चलाया था? चला, फिर उसने बैक करके वीडियो चलाया, तो मेरा बेटा वहां देख के रिकॉग्नाइज कर रहा है 2 3।
हमने तो ये सिखाया ही नहीं इसको। उस टाइम वो कलर्स भी सीख गया था। तब मुझे लगा है बड़ा प्राउड सा फील हुआ। मैंने बोला हाँ भाई देखो मेरा बेटा है। इसका क्या करे से सीधा मेरा बेटा। फिर ये करीब 12 बजे करीब आई तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन मतलब कुछ नहीं पूछा। मैंने बोला यार तुमने तो इसको 1 2 3 ABCD कब सिखा दिया। बोली मैंने कहाँ सिखाया है इसको। तब हम दोनों के लिए शॉकिंग था कि ये हुआ कैसे। देन शी सेड कि एक्चुअली ये एक ऐसे ही एक POC पे काम कर रही थी जिसमें उसने ABCD की बहुत ही सिंपल सी ऐप डेवलप कर रही थी। तो वो ना टैप करते करते सीख गया। दैट वॉज आर यूरोका मोमेंट कि यार हमने फोड़ा है, हमने कुछ फोड़ तो दिया है कुछ। ये प्रॉब्लम जो है बिना पेरेंट के अगर बच्चा सीख जाता है और ये मेरा बच्चा सीख रहा है तो दुनिया का सारे बच्चे सीख सकते हैं। हमने एज अ टेस्ट उस ऐप को ना उसी समय लॉन्च कर दिया जैसी थी वैसी की बिना जॉब छोड़े आपने इसको सैंपल कर दिया कि जॉब भी चल रही है। हां राइट डेमो दिखाइए। ये बंदा इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। आप अपनी कभी कोई बॉयज पार्टी कर रहे हो तो बुला लेना। ओके तो सर बहुत सारी एप्स हैं, बहुत वैरायटी है, मैथ्स है, कलरिंग बुक्स है, बट मैं आपको एक ऐसी ऐप दिखाने वाला हूं जिस वर्जन से मेरे बेटे ने 1 2 3 सीखा था मैं आपको वो दिखाता हूं। Although वो उतना इंटरैक्टिव नहीं है। So cute. कोई 1.5 साल का बच्चा भी है ना तो वो भी इससे सीख सकता है। बहुत ही सिंपल, मतलब उन्हें नंबर पे टच करना है। टच करना है। As a parent, अगर मुझे मेरे बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है स्पेशली एट अ यंग एज तो आपके इसके बारे में क्या विचार है? नंबर वन चीज जो ये है कि कोविड ने सबसे पहले तो बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। जैसे कि बिफोर कोविड 9 मिनट स्क्रीन टाइम हुआ करता था पहले बच्चों का पर डे पर चाइल्ड 9 मिनट्स हुआ करता डिपेंड्स ऑन द एज। ये 2 to up 10 years समझ लो काइंड ऑफ। जैसे ही कोविड आया दिस इंक्रीज टू 60 मिनट्स mostly because of the classes going on and all those things. Jo reports hum dekh rahe hain un reports ke according this is not going back. All the schools khul chuke hain. Haan 60 minutes se 45 minutes hua hai but aisa nahi hai ki hum wapas 9 minutes pe pahunch rahe hain. Got it. To hamara uddeshy ye hai ki hum na bahut hi quality screen time dena chahte hain. Main isse bilkul sehmat nahi hu क्योंकि मेरे दोनों बच्चे 2 to 10 की एज ग्रुप में हैं और आपने जो 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 गेम्स एंड जो जो लर्निंग एक्टिविटीज बनाई तो गेम में कोई मुझे तो कोई लर्निंग समझ नहीं आई और इतने एडिक्टिव बनाए हैं कि एक बार कोई उसमें घुस जाएगा तो वो बच्चा सेम चीज को ओवर एंड ओवर करते रहते हैं, वो लर्निंग खत्म हो जाती है। एडिक्टिव नहीं बोल सकते आप इसको। बच्चा फ्री बैठा है ऑलवेज वो फोन मांगेगा ही, तो अगर आप डिवाइस दे रहे हो तो जो फालतू का कुछ देख रहा है उससे अच्छा मीनिंगफुल कुछ ही इज लर्निंग। हमने सिर्फ एक गेम आपको दिखाया है, हमारे पास 40 गेम है ऐसे, उसमें से जो हमारा नंबर वन है वो है मैथ गेम, 60 मिलियन डाउनलोड्स है। अगर वो गेम इतना ही एडिक्टिव होता तो उसमें 3 लाख पॉजिटिव रिव्यूज नहीं होते। मैं इनसे थोड़ा एग्री करता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों। अब अगर हमारे बच्चों को ना दो आईपैड, खाना नहीं खाते ठीक से, तो वो एक हैबिट बन चुका है, चाहे वो कोविड की वजह से बने। आई अग्री अवॉइड नहीं कर सकते। सौरभ आप जिस तरह से ये एप्स पेश कर रहे हैं आज, आप ऐसे पेश कर रहे हैं कि आपने कुछ रेवोल्यूशनरी खड़ा कर दिया। आपने ABC माउस के बारे में सुना है? आप यूएस में रह के आए, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। आपने ABC माउस जैसी एप्स को कॉपी करके उनको फ्री कर दिया। दूसरा आपने किडोपिया के बारे में सुना है? Yes. इंडिया से पैदाइशी हुई है उसकी। Yes. फ्रीमियम ऐप है, बिल्कुल आप जैसा जो आपने दिखाया। आपने एप्पी स्टोर का सुना है ना? Yes. Yes. वो हमने बनाया, आप ये जानते हो? नहीं ये तो नहीं पता है, थोड़ा रिसर्च किया होता तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। आपने जैसे बोला कि हमने कॉपी करा है ABC माउस को, वो बिल्कुल ही गलत। चलिए इंस्पिरेशन लिया। नो नो नॉट इंस्पिरेशन, क्योंकि उसके पास ये मॉड्यूल्स ही नहीं है जो हमने डाले हैं। किडोपिया में ये गेम्स नहीं है, मॉड्यूल्स नहीं है सर, मॉड्यूल्स मेरे से बाहर मिलना। मेरी 5 साल की बेटी है, वो बहुत खेलती है किडोपिया। एप्पी स्टोर में एग्जैक्टली है, इस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, वो छोड़ दीजिए। ये आपने कैसे बोल दिया
कि उस वक्त कुछ नहीं था। एबीसी माउस आईओएस पे थी, एंड्रॉइड पे उनका बहुत ही, क्योंकि यूएस मार्केट में आईओएस चलता है भाई, इसलिए डोंट कंफ्यूज द इशू। हाँ तो लेकिन एंड्रॉइड पे तो कुछ नहीं था। आपने ये नहीं कहा कि एंड्रॉइड, चलिए छोड़ दीजिए, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। मुझे आप अपना बिजनेस मॉडल बताइए, अपना रेवेन्यू बताइए और अपना टीम के बारे में बताइए। हमारा रेवेन्यू 3 स्ट्रीम से जनरेट होता है। पहला है एड्स, दूसरा है इन ऐप परचेजेस, तीसरा है सब्सक्रिप्शन। एड से कितना रेवेन्यू है आपका? एड से हमारा लगभग 96% रेवेन्यू है। सब्सक्रिप्शन जस्ट हमने अभी थोड़े दिन पहले ही शुरू किया है, तो बट उससे भी हमारा लगभग 3% रेवेन्यू आना शुरू हुआ है। तो इन ऐप परचेजेस ओनली 1%? ओनली 1%। कितना रेवेन्यू है आपका? लास्ट ईयर हमने 24 करोड़ किया था। इस साल अभी तक हमारा 8.5 हो गया 5 महीने में। तो गिर रहा है? गिर रहा है, उसके भी रीजंस हैं। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने हमने 1.45 CR किया। कोविड खत्म हो गया। कोविड खत्म हो गया तो लोग स्क्रीन टाइम कम हो गया। 24 करोड़ से पहले कितना था? 14.7। ठीक है, और इस साल 18 करोड़ मान लेता हूँ। पिछले साल प्रॉफिट कितना जनरेट किया आपने? पिछले साल हमारा ग्रॉस था 95%, एबिटा हमारा 21 CR था। एबिटा 21 CR था? Yes. इसमें कॉस्ट है ही नहीं ना। You took home 21 CR. Net profit 15 CR में घर लेके गए। इस साल भी उतना ही profit चल रहा है लगभग, percentage में। उतना ही profit चल रहा है। तो आपकी team है कोई? अभी आप दोनों के अलावा? हाँ, हमारी team है। हाँ। We are 32 actually. 32 people. और monthly salary कितनी है? सालाना salary कितनी है? अगर मैं हम दोनों को हटा दे रहा हूँ, तो हमारी salary लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए जाती है। 8 लाख रुपए महीने में आपने 32 लोग रख लिए? हाँ सर। कहाँ पे रखे हैं भाई? कोलकाता में। वाह, बहुत ही बढ़िया। जो भी डिबेट हुई उसको इग्नोर करते हुए पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने एक प्रॉफिटेबल इंटरनेट बिजनेस बनाया जिसमें आपने 15 करोड़ रुपए नेट एबिटा कमाया साल का। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हजारों करोड़ का रेवेन्यू कर रही है पर साल का हजारों करोड़ बर्न कर, तो आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। वो हम एड से शिफ्ट करके सब्सक्रिप्शन की तरफ हैवी कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम नेक्स्ट बाय 2024 लगभग 60% सब्सक्रिप्शन पे आएंगे, 40% ही ऐड रहेगा। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट ने आपको बोला है कि अगर ऐड बिजनेस है तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं सर, हम तो गए नहीं किसी के अभी पास। किसी के पास अगर गए नहीं, चलिए मेरा डिसीजन बन गया है। टाइम स्पेंड ऐसी चीजों में बढ़ता ही जाएगा एंड ये बहुत एडिक्टिव है एंड आस्क है टोटल वो भी बहुत हाई है, तो मैं अभी आउट। ये जो आपने नंबर्स दिए कि प्रीवियसली प्री कोविड 9 मिनट्स था स्क्रीन टाइम एंड इट्स गॉन टू 60 मिनट्स और अभी 45 मिनट्स, दिस इज अ ट्रेजेडी। तो रादर देन एक्सेप्टिंग इट, हमें थोड़ा सा रिवर्स करना चाहिए एंड गो बैक टू द ओल्ड फैशनड वेज एंड सिंस फंडामेंटली आई डोंट बिलीव इन इट, आई एम आउट। हर देश में पाबंदी आ रही है बच्चों को एडवर्टाइज नहीं कर सकते के ऊपर, और इसीलिए आप जा रहे हो सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, ठीक है, अग्रीड करना पड़ा कि अग्रीड अग्रीड अग्रीड। अब आप खेलोगे इनके अगेंस्ट जो मैंने नाम लिए ऑलरेडी, जो मैं नहीं समझता हूं आज मैं देख रहा हूं क्षमता है कंपीट करने की, तो ये सब वजह से मैं आउट हूं। आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी अभी तक की गलती क्या हुई है? सर मैं गलती तो नहीं बोलूंगा बट शायद सीखने में हमने थोड़ी देर कर दी है। किस चीज को? हमने 0 to 1 कर लिया, 1 to 10 कर लिया, लेकिन 10 to 100 कैसे करना है वहां हमें डिफिकल्टी आ रही है। और क्या लग रहा है आपको, क्या चाहिए 10 to 100 करने के लिए? हमें स्पेंड करना होगा मार्केट में, नाइक टीम बनानी होगी। हाँ। पर आप में डीएनए है वेल्थ शेयर करने का, टीम बनाने yes, का? यस सर बिल्कुल है। आप किसी को 1 करोड़ की सैलरी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। एक्चुअली वो लोग हमसे जुड़ना नहीं चाह रहे। हमने ऐसी सैलरी ऑफर भी करी है बट अब उसी का माइंडसेट ये है कि नहीं ये तो काफी नॉन ग्लैमरस। चलो मैंने डिसीजन बना लिया यार, मैं इससे बाहर हूँ।
मुझे फंडामेंटली लग रहा है कि काफी काम करना पड़ेगा आपके साथ कोच करने में टू हाउ टू बिल्ड अ कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू थिंक अबाउट पीपल. आपका बिजनेस अभी ऐसी स्टेज पे है कि इट्स इधर हीरो और जीरो इन द नेक्स्ट टू इयर्स, बट ग्रेट बिजनेस एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. मुझे ना पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स बहुत पसंद है. आप लोग बहुत पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स हैं. बट एक चीज और होती है, यू शुड बी वेरी पैशनेट बट पैरानॉइड अबाउट कॉम्पिटिशन. आई एम आउट फॉर दैट रीजन बट यू आर नॉट पैरानॉइड अबाउट कॉम्पिटिशन. सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस. गुड लक. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू गाइस. बाय. सीयर्स. टेक केयर. एक वो कुछ कहना चाहती है, बोल दीजिए, दिल की बात बोल दीजिए. मुझे ऐसा लगता था कि अगर आज आप लोग कुछ डील देते हमको तो हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत इजी हो जाता. Easy कभी नहीं होगा. The path is difficult. Entrepreneurship is very hard. आपको तय करना है आगे का सफर. आप तय करेंगे अगर आपको वक्त चाहिए, क्योंकि मैंने ये बिजनेस बनाया है. मैं सबको नहीं कहता हूँ. आई एम हैप्पी टू गिव यू दैट एडवाइस एंड इनपुट. आप मुझसे बाहर मिलिए, साथ में बैठ के बात करेंगे, उसके बाद आप तय कीजिए आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है. ठीक है. ओके. बाय. थैंक यू. थैंक यू. गुड लक. बाय.